नमकीन 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 मैडम जी नमकीन। कितने रुपए की है ये? मैडम जी 12 रुपए की। 12 रुपए की एक? अरे मुझे अच्छी तरह पता है ये 10 रुपए की आती है, तो 12 क्यों दूं मैं तुझे? तुमने तो लूट बचारी मचा रखी है बिल्कुल ही। मैडम जी आती तो 10 की है, पर हमें क्या ना बहुत दूर से लेके आना पड़ता है, इसलिए हमारा पेट्रोल का खर्चा लग जाता है। तो पेट्रोल का खर्चा लग जाता है इसका मतलब तू 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बेचेगा? नहीं, 10 रुपए में देना है तो दे, वरना जाए से। अरे मैम साहब गरीब आदमी हूँ, 2 रुपए बचते हैं, अगर ये भी नहीं बचाऊंगा तो मैं खाऊंगा क्या? अभी ओए मैंने तेरा ठेका नहीं ले रखा कि तू 2 रुपए कमाएगा या 4 रुपए कमाएगा। तुझे अगर ये नमकीन 10 रुपए में देनी है तो ठीक है, वरना ये अपनी नमकीन ले और जाए यहाँ से। साक्षी क्या हो गया, तू चिल्ला रही है उसको, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अरे भाई साहब कोई बात नहीं, हम 12 के आपको 15 रुपए दे देंगे, आप 5 पैकेट दे दीजिए। ये लीजिए 75 रुपए हो गए। यार भैया मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं, आपके पास 500 के खुले हैं क्या? सब 500 के खुले हैं, यहाँ तो नहीं है, मैं दुकान में रखे वहाँ से ले आऊँ सब, लेकिन 5-10 मिनट लग जाएंगे वहाँ से आने में। अरे कोई बात नहीं, आप आराम से ले आओ, और जाते हो ना दूसरी बसों में भी सामान बेच लेना, आपको नुकसान ना हो। लेकिन सब बस चल गई तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। अबे तेरा भाई हूँ मैं, नुकसान होने थोड़ी ना दूंगा तेरा, एक काम कर तू आराम से जा, बस हिलेगी भी नहीं यहाँ से। ठीक है साहब, आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं भी लेके आता हूँ। चला गया यहाँ से, लेकिन अब तू ऐसा क्या करने वाला है जिससे कि हमारे पैसे बचेंगे? अरे तू देखते रह, मैं क्या कर सकता हूँ। ए ड्राइवर भाई जल्दी कर, लेट हो रहा है। साहब बस 5 मिनट रुक जाओ, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा चाय पानी पी के आ जाऊँ। अरे भाई देर हो रही है यार, अगर तेरे को चाय पानी पीनी है ना तो आगे रख लियो, तेरा भाई तेरे को चाय पानी पिलाएगा, तेरे भाई का दिल बहुत बड़ा है। ठीक है साहब। अरे वाह सुमित, तू तो बहुत चलाक हो गया, आखिर तू दोस्त किसका है? हाँ सही है, तेरी संगत का असर है, वरना तो मैं सीधा साधा सही था। आजा आजा पैसे ले ले, बहुत शौक था ना तेरे को पैसे लेने का, मिल गए पैसे? ओ बेचारा। अरे मैडम मेरे पैसे, मैडम पैसे। कैसे कैसे लोग इस दुनिया में, गरीब के भी पैसे मार लेते हैं लोग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आइए बैठिए। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आने में? नहीं सर, आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, मैंने आप लोगों के बॉस से कह के आप लोगों को यहाँ पे इसलिए बुलवाया है ताकि आप लोग हमारी कंपनी का वर्क एटमोसफियर देख सकें और समझ सकें कि हमारी कंपनी कैसे काम करती है, क्योंकि अब आपकी कंपनी और हमारी कंपनी साथ में बिजनेस करने वाले हैं, तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप लोग कुछ दिन मेरी कंपनी में आएंगे, समझेंगे वर्क को, उसके बाद मैं अपनी कंपनी से कुछ लोग आपकी कंपनी में भेजूंगा। फिर क्या होगा कि जब दोनों कंपनी के एम्प्लॉयज़ एक दूसरे की कंपनी को जाने लगेंगे, पहचाने लगेंगे, तो फिर हम एक नया सेटअप करेंगे जिसमें हमारी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ लीड करेंगे और आपकी कंपनी से कुछ एम्प्लॉयज़ लीड करेंगे। जी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम अपना 100% देंगे। हाँ जी सर आप टेंशन मत लीजिए, हम अपना बेस्ट देंगे। सर मैंने सुना है कि आपकी कंपनी ऐसे स्कीम निकालती है जिससे कि लोअर क्लास और मिडिल क्लास फैमिली को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, बट क्या मैं जान सकती हूँ सर ऐसा क्यों, रीज़न क्या है इसका? सर और रिसेंटली ना अभी मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था आपके लिए, वहाँ पर आपने मेंशन करा हुआ था कि आपने कुछ गरीब लोगों के लिए प्रोडक्ट्स निकाले हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स निकाले हैं जो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है गरीब लोगों के लिए। अरे वाह बहुत अच्छा सवाल किया तुमने, दरअसल बात क्या है ना कि हम भी गरीब हुआ करते थे बचपन में, कुछ ख्वाहिशें ऐसी थी जो मन में ही मार देनी पड़ती थी, लेकिन अब इस काबिल हो गए कि कुछ कमा रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो सोच रहे कि हमारा बिजनेस समाज में कुछ लोगों का कल्याण करे, कुछ लोगों की हेल्प करे, जो ख्वाहिशें हमने मारी हैं एटलीस्ट उनमें से कुछ ख्वाहिशें लोगों को ना मारनी पड़े, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो गरीबों की या मिडिल क्लास की पॉकेट फ्रेंडली हो, और साथ ही साथ कुछ ऐसी स्कीम्स निकालने की भी सोची है फ्यूचर में जिनसे क्या होगा कि गरीब आदमी को मौके मिलेंगे हमारी कंपनी में, इससे क्या होगा गरीब आदमी भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी माहौल ऐसा चल रहा है कि गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है और अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, इस माहौल को बदलने का इनिशिएटिव किसी को तो लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम लेंगे, और अब आपकी कंपनी और हमारी कंपनी साथ में काम कर रही है तो दोनों की कंपनियां मिलकर लेंगी, और साथ ही साथ ऐसे चेन बनती चली जाएगी, तो गरीब आदमी भी बहुत तरक्की करेगा और अपनी जिंदगी में अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकेगा और अच्छी जिंदगी जी सकेगा। वाह सर आपकी सोच को सल्यूट है, और सर आपका बहुत अच्छा आइडिया है,
मैं भी गरीब लोगों को सपोर्ट करता हूँ जितनी मेरी हैसियत है। सर ये तो आप सच में बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं भी ना हर महीने अपनी सैलरी में से ना 25% ना लोगों को डोनेट कर देती हूँ। अरे वाह, आपके बॉस तो मेरे अच्छे फ्रेंड हैं। वो तो काफी अच्छे नेचर वाले हैं और साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि उनके एम्प्लॉयज भी काफी नेक दिल हैं। चलिए बढ़िया है, होता है ना कि किस्मत से मिलते हैं लोग एक दूसरे को, तो आप लोगों का हमारी कंपनी में आना भी कहीं ना कहीं किस्मत का ही खेल है। अच्छा माफी चाहूंगा, अभी मेरे को ना निकलना है, कोई जरूरी काम है। मैं तो चाहता था कि आज आप लोग उसे घर पे बात कर लूँ। बाकी आप लोग एक काम करना, थोड़ी देर यहाँ पे बैठिए, राहुल यहाँ पे थोड़ी देर में आ जाएगा, आप लोगों को नाश्ता वगैरह करवा देगा, उसके बाद आप लोग घर चले आना, कल ऑफिस में मिलते हैं, ठीक है? जी सर, ओके बाय। ओके टेक केयर। हर्षित, तुम्हें पता है हमें कौन मिले? कौन भैया? शेखर भैया है ना, जिनके यहाँ पापा जॉब करते थे। हाँ भैया, क्या बात हुई उनसे? वो बोल रहे थे कि मुझे जॉब लगवाएंगे और साथ में मुझे पढ़ाएंगे भी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। भैया आप उनसे मेरे बारे में भी बोलिए कि मेरी भी हेल्प कर दें। हाँ मैं उनसे बात कर लूँगा, पर एक काम करता हूँ, पहले मैं जॉब कर लेता हूँ कुछ दिन, फिर मैं तुम्हारी पढ़ाई की भी बात कर लूँगा। ठीक है भैया। चल ठीक है, तू बैठ, को तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आता हूँ। ठीक है भैया। हाँ तू सही कह रही है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ सच्ची तू बिल्कुल ठीक कह रही है, ये वही है। अबे वही नमकीन वाले, क्या कर रहा है तू यहाँ पे? आप लोग यहाँ क्या करने आए? और पहले मेरे को 75 रुपए वापस दीजिए। अबे यार इस भिखारी के ना भीख मांगने की आदत जाएगी नहीं, फिर से भीख मांग रहा है। क्या ये हमसे 75 रुपए मांग रहा है? तेरा दिमाग वमाग ठीक है? एक चाटे में ना सारे 75 रुपए भूल जाएगा। कौन से 75 रुपए देने हमें तेरे? कोई पैसे नहीं देने हमें तेरे, फालतू बोल रहा है बेवकूफ। अरे तू बोल, इसको चटकाता हूँ अभी। नहीं नहीं सुमित, हम ना इसे बाद में देख लेंगे, अभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसके ऊपर। मीटिंग के लिए आए ना बॉस के साथ। बाद में क्या देख लोगे, मैं तुम्हारी शिकायत है ना सर से करता हूँ। अबे जा कर दे, डरते नहीं है, और ज्यादा बोलेगा ना तो हाथ पर तोड़ दूंगा तेरे, समझ गया? अरे क्या हुआ सुमित, क्यों सुना रहे इसे? अरे कुछ नहीं सर, पुराना दोस्त है ना, तो बस उससे मजाक कर रहे थे और कुछ नहीं। हाँ हाँ सर, ये तो हमारा बहुत पुराना दोस्त है, ये भी ना ऐसे ही हमसे हंसी मजाक करता रहता है, तो इसलिए हमने भी कर दिया थोड़ा सा हंसी मजाक। नहीं नहीं सर, मैं इनका कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे पैसे मार लिए थे, मुझसे नमकीन ले ली थी और उसके बाद मेरे को पैसे दिए नहीं इन्होंने। हाँ सर, इन्होंने एक गरीब का हक मारा है, तो अब आप ही सोच लीजिए कि कैसे लोग। सर हमने इसके पैसे दे देते, हमने ये सोचा था कि जब दोबारा मिलेंगे तो हम इसके पैसे दे देंगे, जैसे आज मिल गया तो आज हम इसके पैसे दे देंगे। चुप करो तुम दोनों, मुझे अच्छे से पता है तुम कितने नेक दिल हो और कितने नेक दिल नहीं हो। अरे तुम तो चालाकियों से भरे पड़े हो, पहले तो मेरे सामने ड्रामा कर रहे थे कि तुम कितने दानवीर हो, तुम लोगों के लिए कितना अच्छा सोचते हो, और अब तुम्हारी असलियत सामने आ रही है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है किसी के पैसे मारते हुए? जैसे तुम मेहनत कर रहे हो वैसे ही वो भी मेहनत कर रहा है। I'm sorry sir, गलती हो गई, आज के बाद कभी हम ऐसा नहीं करेंगे। चुप करो यार, क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? माफ कर दीजिए, किस बात की माफी? हाँ कुछ चीजों की माफी होती ही नहीं है। जब तुमने इसकी मजबूरी नहीं समझी, इसकी गरीबी नहीं समझी, तो मैं क्यों समझू तुम्हारी गरीबी? बिल्कुल नहीं समझूंगा। कर्मों का फल मिलता है और आज तुम्हें भी मिलेगा। जब तुम्हारी जॉब जाएगी, जब तुम रोटी के लिए मोहताज हो जाओगे ना, तब समझ में आएगा कि अगले बंदे की मेहनत की भी कीमत होती है। खैर तुम्हें तो दूसरे की मेहनत की कीमत नजर ही नहीं आती, तो ठीक है मुझे भी तुम्हारी मेहनत की कोई कीमत नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट तुम तो मेहनती हो ही नहीं, लालची लोगों के साथ और झूठे लोगों के साथ मेरी कंपनी कभी बिजनेस कर ही नहीं सकती। अब जब तक तुम मेरी दोस्त की कंपनी से बाहर नहीं जाओगे, तब तक ये डील होगी नहीं, समझे तुम? प्लीज सर ऐसा मत करिए ना। सेल्फिश हो तुम लोग, और सेल्फिश लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, बोल दिया है। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ और ज्यादा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। निकलो, बोला ना निकलो। विक्रम तुम भी अपना काम करो। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से किसी का हक मारना
सही है या गलत, मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा गलत है ये। आप लोगों का जो भी जवाब हो वो ज़रूर बताइएगा, मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। कहानी में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग गरीब लोगों का हक मारते हैं, असहाय लोगों का हक मारते हैं, जो कि गलत है यार। अगर आज हम किसी का हक मार रहे हैं तो कल को हमारा हक भी कोई ना कोई मारेगा ही। और जब हम किसी का हक मारते हैं ना तो हम दूसरे इंसान को पीड़ा दे रहे होते हैं, और किसी को पीड़ा दे के, किसी को दुख दे के, भला किस इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं? खुशियाँ तभी आती हैं इंसान की ज़िंदगी में जब इंसान भी दूसरे लोगों की खुशियों की वजह बनता है। इसलिए कोशिश करेंगे आज से हम सभी लोग कि दूसरे लोगों की खुशियों की वजह बनेंगे। अगर खुशी नहीं दे सकते किसी को तो दुख तो कभी नहीं देंगे। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।